वालेकुम जी मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप देख रहे हैं नजम बाजवा 2.0 पॉइंट टू तालिबान की जानब से एक ऐसा रिएक्शन आएगा जिससे पाकिस्तान को मसला होगा ये शुरू दिन से हमें पता था कि ऐसा होगा आ, लेकिन सरप्राइज हम इसलिए हैं कि इतनी जल्दी इस किस्म का रिएक्शन आएगा और इतनी जल्दी शायद तालिबान अपनी जो है ना वो बात से मुकर जाएंगे या ऐसे काम करना शुरू हो जाएंगे जो सरप्राइज़ करके रख देंगे ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा ये हमें नहीं पता था आज की वीडियो में नजर कराम मैं कुछ सरप्राइजेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ किन किन जगहों पे तालिबान हमें सरप्राइज कर रहे हैं ना वो मैंने आपको बताना है सरप्राइज़ क्या कर रहे हैं मतलब ये सरप्राइज़ कोई खुशगवार सरप्राइज नहीं है ये सरप्राइज हैरान कन सरप्राइज हैं जो, जो कि मायूस कन है जिन्हें देख के मायूसी हो रही है और जिन्हें देख के ये तस्वुर नहीं किया जा सकता था कि तालिबान अगर मुझे आ, थोड़ा सख्त लफ्स है लेकिन अगर इस्तेमाल करने की इजाजत दें कि तालिबान इतनी जल्दी रंग बदलेंगे नजर कराम डिप्लोमैट ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में उसने कुछ तीन चार पॉइंट्स को हाईलाइट किया है उस डिप्लोमैट के आर्टिकल में से कुछ चीजें आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है तालिबान के बारे में कुछ ऐसी हकीकत बतानी है जिसे जानकर यकीनी तौर पर आप भी हैरान हो जाएंगे लेकिन इससे पहले कि मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करूं मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने कर लिया है तो इसको बेलाइकॉन को जरूर क्लिक कर लें क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक वक्त रहते पहुंच सके इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमें अच्छा कॉन्टेंट बनाने में आपको टाइमली अपडेट करने में

कराम जो कि इस वक्त मुखाल बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो इनके बयान से मजीद आग भड़कती चली जा रही है चीजें खराब हो रही हैं ये तो वो चीज जो जो अपडेट थी जो आज हुई है अब मैं आपके सामने नजर डिप्लोमैट का आर्टिकल रखने वाला हूं यकीनी तौर तो पर जैसे जिसके जो पॉइंट्स उनने हाईलाइट किए हैं आपको पढ़ के और आपको जब वो उन चीज़ का अंदाजा होगा यकीनी तौर तो पर आप सरप्राइज हो जाएंगे द डिप्लोमैट ने लिखा है और ये डिप्लोमैट आपको पता है ये ऐसा जरीदा है जिसे ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तानी साइड लेगा या अफगान तालिबान की साइड लेगा डेफिनेटली थोड़ा न्यूट्रल लिखते हैं ये इससे आपको मतलब पता चलेगा कि कोई तीसरा बंदा इस वक्त या तीसरा मुल्क या तीसरी ताकत इस बारे में क्या सोच रही है तो वो लिखते हैं तालिबान पाकिस्तान टाइज रन इन ट्रबल ये उसका जो है ना हेडलाइन है ये उसकी शायद सुर्खी है इस पूरे आर्टिकल की इसमें तीन चार चीजें उन्होंने बताई हैं यही सबसे पहले तो बात उन्होंने की कि इनकी छेड़खानी सरहद के साथ एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था दूसरी बात जो सबसे अजीब बात है ये कहते हैं पर्टिकुलरली टी को लेकर तरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर जो वादे तालिबान ने किए ये वो पूरे नहीं कर रहे बल्कि ओपनली ये कह रहे हैं कि टीटीपी तो यहां पे है ही नहीं है अब ये मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है डिप्लोमेट लिखता है ओपनली अफगान तालिबान ये कहते हैं यहां पर टी मौजूद नहीं है और जब पाक फौज उन पर हमला करती है क्रॉस द बॉर्डर अच्छा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका खबरों में आना जरूरी नहीं होता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खामोशी से की जाती हैं अब मैं डिप्लोमैट को कोट कर रहा हूं मेरी यह खबर नहीं है यह डिप्लोमैट की खबर है यह मैं उस जरीदे जुरी, की बात कर रहा हूं वो कहता है कि जहां पर पाकिस्तानी फौज को पता है खासतौर पर वो कुन्नड़ का जिक्र कर रहा है कि जहां पर पाकिस्तान को पता है कि यहां पर दुश्मन मौजूद है टी के लोग मौजूद है अगर पाक फौज उन्हें टारगेट करती है टी को टारगेट करती है दी बॉर्डर यानी कि इस बॉर्डर से हटके तो होता क्या है फिर भी अफगान तालिबान माइंड करते हैं और मौलवी संगीन ये कहता है मौलवी संगीन जिसके बारे में डिप्लोमेट भी लिखता है कि कुन्नड़ में अगर यहां वहां पर टीटीपी के ऊपर मोटर फायर किए जाते हैं यानी कि मोटर गोले फायर किए जाते हैं जिनके ऊपर गोले बरसाना अफगान तालिबान की जिम्मेदारी थी और ये वादा करके आए थे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अगर पाक फौज उनके खिलाफ खुद वह कार्रवाई करती है तो मौलवी संगीन कहता है कि हम जवाबी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करेंगे और हमने बत्तीस गोले बरसाए अब ये आप सर ये बहुत बड़ा सरप्राइज है अब ये डिप्लोमेट मैं, मैं तो ये नहीं कहता ना पाक फौज ने ये कहा है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है अफगानिस्तान के अंदर हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की हम तो ऑफिशियली यही कहेंगे कि पाकिस्तान ने जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की और मुझे भी आपको पता है कि मैं तो वही कहूँगा जो पाक फौज कहेगी लेकिन डिप्लोमेट की खबर के बारे में नजरें कराम आपको बता रहा हूँ कि वो ये लिखते हैं के असल में पाकिस्तान उन ठिकानों पे कार्रवाई कर रहा था जिसके बारे में खबर है जहां पे टीटीपी छुपी थी क्योंकि ता, तालिबान बजाते खुद उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे और उसके ऊपर भी इनका ईस्टर्न कमान का जो बॉर्डर का इंचार्ज है मौलवी संगीन वो आके कहता है हम जवाबी तौर पे पाकिस्तान पे गोले बरसा रहे हैं एक उनके खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं कर रहे दूसरा उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यह बहुत बड़ा सरप्राइज है दूसरा सरप्राइज नाज रहे हैं सुनिएगा जो डिप्लोमैट लिखता है और उसने जो चीज जो है वो सामने रखी है दूसरा सरप्राइज ये है कि डिप्लोमेट कहता है ये जो जरीदा है वो लिखता है कि जो तालिबान है वो ये चाहते हैं कि दूसरे मुल्कों के साथ पर्टिकुलरली इंडिया और अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए ठीक है अब हुआ ये है और ये रिसेंट आर्टिकल मतलब आज का लिखा हुआ आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ होता ये है कि जनाब वाला अब जब ये जो है ना वो कहते हैं कि इनके ताल्लुकात को बेहतर किया जाए तो जब इंडिया से एड आती है तो जबीला मुजाहिद साहब ट्वीट करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन नेशन का और शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाबे वाला आपके बहुत शुक्रिया आप हमारी मुश्किल टाइम में मदद कर रहे हैं मीन वाइल पाकिस्तान जो उनसे बेगुना बेगुना जो बेपना ज्यादा यानी कि कई गुना ज्यादा जो है वो मदद कर रहा है जब इनके ट्रक वहां पे जाते हैं तो ये डिप्लोमेट एक, एक तीसरा जरीदा यानी मतलब एक न्यूट्रल जरीदा ये लिख रहा है कि तब जबी मुजाहिद के मुंह से एक लफ्स नहीं निकलता पाकिस्तान के बारे में एक लफ्ज़ वो नहीं कहते हैं और वो खामोशी इख्तियार करते हैं उनका ट्विटर हैंडलर खामोश रहता है वो चुप रहते हैं वो नहीं बोलते हैं इसका मतलब क्या समझा जाए इसका मतलब यह समझा जाए कि वो लिखना नहीं चाहते और मीन वैल होता क्या है कि जब ये ट्रक उनकी हदूद में दाखिल होते हैं तो उन ट्रकों से झंडे उतार लिए जाते हैं क्योंकि ये भी एड थी और ये पुराना वाकया नहीं है डिप्लोमेट लिखता है ये ताजा वाकया है कि दोबारा एक दफा पता पहले भी आपको ये याद होगा कि पाकिस्तानी ट्रकों से झंडे उतारे गए थे इस बार भी पाकिस्तानी ट्रकों से झंडे उतार लिए गए और नाजन कर ये आप आप, आप समझिएगा ये आ, ये क्या धोखा नहीं है क्या ये क्या ये आ, बैक स्टैबिंग नहीं है और आ, क्या मतलब अगर आप टीटीपी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं करते हैं और आप इंडिया को भी प्रेस करते हैं जो जंग में आपको गोले आप अपने जहाज़ों में गोला बारूद भर के भेज रहे थे आप उनके साथ भी और जो आपकी मदद कर रहे थे और डिप्लोमेट लिखता है कि इट्स इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग ये बहुत सरप्राइजिंग है कि आप जो है वो उनके खिलाफ ये सारे काम करो सो so, ये सारी इस वक्त नाजन कराम चीज़ें हो रही हैं और इस बारे जो ही मज़दीद अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपना ख्याल रखें खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद